वैसे आज का जो ये वीडियो थोड़ा सा अलग टॉपिक पे होने वाला है, बिकॉज आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियोस पे कमेंट किया था एंड कुछ लोगों ने डीएम्स भी किया था कि भाई आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप के बारे में एक वीडियो बनाइए प्रॉपर, बिकॉज आपकी जो आवाज़ है काफ़ी क्रिस्प और क्लियर आती है, तो कौन सा माइक्रोफोन आप यूज़ कर रहे हो, तो वो सब चीज़ों के ऊपर में ये वीडियो है आज, एंड कैसे आप लोग अपने फ़ोन के थ्रू मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो फ़ोन से आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक GoPro ही लगेगा मोटो व्लॉगिंग के लिए, अपनी फ़ोन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो मोटो व्लॉगिंग। मेरा जो ये हाल फिलहाल का जो ये राइड रहा था दार्जिलिंग वाला, वो मैंने पूरा का पूरा अपनी ये सेटअप के थ्रू ही रिकॉर्ड किया था। तो ये है मेरा हेलमेट, ये है वेगा का फुल फेस हेलमेट, एंड ऑब्वियसली मोटो व्लॉगिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको एक फुल फेस हेलमेट का रिक्वायरमेंट रहेगा। सबसे पहले तो ये मेरा लाइक और पहले से सेटअप किया हुआ है, तो मैं ये वीडियो के लिए ये सब कुछ मैं खोल दूंगा अभी, एंड खोल के वापस से मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको सेट करते हैं। तो जो सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए, वो सब अभी मेरे सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले लगेगा ये वेगा का फुल फेस हेलमेट, आई मीन नॉट वेगा, कोई सा भी कंपनी का फुल फेस हेलमेट होना चाहिए। एंड उसके बाद ये लगेगा ये वाला माइक्रोफोन। तो ये जो माइक्रोफोन है, मैं ये वाला ही माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ, KDM का है, 299 का, बट ये मेरे को करीबन 100 रुपीज़ का पड़ा था। तो ये आपको कोई सा भी लोकल शॉप में मिल जाएगा, एंड बहुत ही तगड़ा ये इसका लाइक माइक्रोफोन है, काफ़ी सस्ता में भी मिल जाता है। उसके बाद आपको लगेगा ये वाला अडेप्टर, ये 3.5 mm जैक टू लाइटनिंग कनेक्टर का ये अडेप्टर है। तो अगर आप लोग आईफोन के थ्रू मोटो व्लॉगिंग करना चाह रहे हो तो ये अडेप्टर मैंडेटरी आपको लगेगा ही लगेगा, एंड ये ओरिजिनल लेना पड़ेगा आपको, बिकॉज अगर आप लोग इसका डुप्लीकेट या कॉपी लेंगे तो वो ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। मैंने ऐसा बहुत बार ट्राई किया है, मैंने लाइक इसका डुप्लीकेट बहुत बार खरीदा है तो वो चलता नहीं है। एंड उसके बाद आपको लगेगा डबल साइडेड टेप, सीजर, और ये एक मेरे पास पुराना ईयरफोन्स का था, हार्ड केस है ये, बेसिकली मैं इसको इसमें रखता हूँ, सेफली रहता है बिकॉज ये छोटा सा है ना, कभी भी खो सकता है या कट भी सकता है। तो फिलहाल अभी जो मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है कुछ इस तरह का दिखता है, तो मैं ये वीडियो के लिए सब कुछ खोल दूंगा अभी, एंड खोल के मैं वापस से दिखाऊंगा कि कैसे सेट किया जाता है सब कुछ। तो सबसे पहले मैं अपनी ये सेटअप को खोल देता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा सब कुछ अपना ये हेलमेट्स उतार दिया, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ये गम रेसिड्यू रह गया है, तो लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कॉलिन से इसको साफ करोगे ना तो बढ़िया से चला जाएगा। बाय द वे ये जो फुल फेस हेलमेट आप जो भी लोगे ना, तो ध्यान रहे कि इसका जो पैडिंग्स है ये रिमूवेबल हो, एंड थोड़ा जितना मोटा पैडिंग्स रहेगा ना उतना 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 अच्छा रहेगा, लाइक उतना कॉम्पैक्ट स्नग फिट आएगा आपका फेस पे। एंड वी वांट कि अगर आप लोग जो हेलमेट पहनोगे ना तो सब जगह से लाइक कवर्ड रहे, एयर घुसने का चांस नहीं हो, तो जितना स्नग फिट रहेगा उतना बढ़िया है। ऐसा भी ना हो कि पूरा एकदम लाइक टाइट हेलमेट ले लियो फिर आप कुछ बोल ही ना पा रहे हो, बट ये मीडियम साइज का हेलमेट है तो लाइक मेरा फेस के लिए ठीक है। बाय द वे ये जो चीक पैड्स है ना, यहाँ पे आप दो इंसिजन देख रहे होंगे, तो ये किस लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एक्शन प्रो का हेलमेट माउंट। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने फेविक्विक अप्लाई किया है। फेविक्विक किस लिए, बिकॉज जब आप लोग हाई स्पीड में बाइक चला रहे होंगे, ये चीज को जे माउंट बोलते हैं, जो सामने इसका जो चोंच जैसा जो निकला हुआ है ये निकल ना जाए, उसके लिए मैंने फेविक्विक से इसको सील कर दिया है, तो ये एकदम टाइट है, कभी हिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो ये इंसिजन है, बेसिकली ये आपका जो हेलमेट माउंट है वो यहाँ पे इस तरह से ऐसे लगता है, इस तरह से ऐसे लगने के बाद इसका ये दोनों स्ट्रैप इस तरफ पीछे जाएगा, इसका जो ये दो स्ट्रैप्स है ना, एक ये स्ट्रैप इसके अंदर से जाएगा और दूसरा स्ट्रैप इसके अंदर से जाएगा, एंड जाने के बाद यहाँ से मैं टाइट भी कर दूंगा इसको, और सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप्स लगा दूंगा। तो डबल साइडेड टेप लगाने के बाद ये एक्शन प्रो का माउंट चिपका दूंगा, बढ़िया से ये सील भी हो जाएगा। तो सबसे पहले लेंगे ये डबल साइडेड टेप, सबसे पहला टेप मेरा जाएगा हेलमेट का ये इस तरफ पे, एंड मेक श्योर ये जो एयर वेंट है ना इसको आप बंद करके रखो, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट अननेसेसरी वो एयर विंड अंदर आते रहे, तो माइक्रोफोन उसको भी कैच कर लेता है, इसलिए सारा एयर विंड्स को बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो दो छोटा छोटा करके और भी दो टेप्स लगा दूंगा, इस तरफ पे और इस तरफ पे। लगने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, एंड उसके बाद आप लोग ये इसका जो ऊपर का लेयर होता है उसको आप निकाल सकते हो, एंड डबल साइडेड टेप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर कर देता है। इतना तो श्योर है कि आपका फ़ोन कभी गिरेगा नहीं माउंट से। तो अब अपने ये जो एक्शन प्रो का जो हेलमेट माउंट है वो मैं इसके ऊपर मैं ऐसे लगा दूंगा, तो बढ़िया से फॉलो करिएगा, इस तरह से सेंटर अलाइन करके मैंने लगा दिया है, एंड उसके बाद मैं ऐसे दाब दूंगा ताकि ये और भी ज़्यादा बढ़िया से इसका ग्लू ग्रिप ले ले। तो अब इस तरह का कुछ दिख रहा है, एंड ये कभी हवा से भी गिरेगा नहीं बिकॉज ये अच्छा तरह से चिपका हुआ है। तो अब जी ये दो स्ट्रैप्स दिख रहा है, ये दो स्ट्रैप्स एक जाएगा, मैं ऐसे डायगनली भी घुसा सकता हूँ या तो मैं ऐसे सिंगल सिंगल लाइक राइट का राइट में लेफ्ट का लेफ्ट में
नहीं तो मैं राइट का ऐसे लेफ्ट पे भी घुसा सकता हूँ, इस तरह से करने से इंटरलॉक हो जाएगा। तो ये जो चीक पैड्स का इंसिजन था वहाँ पे मैंने स्ट्रैप्स घुसा लिया एंड अब ये नीचे से मैं टाइट भी कर दूंगा। तो एक्शन प्रो का हेलमेट माउंट मैंने अपने हेलमेट में ये माउंट कर लिया बढ़िया से एंड डबल साइडेड टेप के कारण ये अच्छी तरीके से चिपक भी गया है मेरे हेलमेट से। तो वो इंसिजन के थ्रू इस तरह से ये हेलमेट माउंट इसमें लग गया है एंड यहाँ पे ये दो क्लिप्स है, इसको लाइक लगा करके टाइट करना होता है स्ट्रैप्स को। एंड इसको भी अगर सिक्योर करना है ना तो इसके पीछे आप लोग डबल साइडेड टेप लगा सकते हो जिससे कि ये जो हेलमेट माउंट है ये पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा, कभी हिलेगा ही नहीं। सो अपना हेलमेट माउंट तो लग चुका है एंड अब इसमें लगाना है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, केडीएम का ये T35 स्टीरियो ईयरफोन्स। ये आपको जैसे कि मैंने बोला कि कोई सा भी लोकल शॉप्स में आपको मिल जाएगा एंड काफी अच्छा है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये जो माइक्रोफोन मैं लेफ्ट साइड में लगा रहा हूँ बिकॉज ये जो मोबाइल होल्डर जब यहाँ पे लग जाएगा ना तो फोन का जो इनपुट है वो आपका लेफ्ट साइड में आएगा, तो माइक्रोफोन का अडेप्टर वहीं पे लगेगा। इसलिए ये जो लेफ्ट साइड का जो पैड्स है सबसे पहले इसको खोलना होता है एंड वैसे ही फुल फेस हेलमेट लीजिएगा जिसके ये सब पैड्स रिमूवेबल हो। एंड यहाँ पे मैं अपना माइक्रोफोन, ये जो है इसका जैसे कि आप देख सकते हो वायर काफी लंबा होता है तो इसको कॉइल करके बढ़िया से इसमें सेट करना होता है, तो वो मैं कर देता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। ये जो मेरा लेफ्ट साइड का पैड है ना यहाँ पे मैंने एक डबल साइडेड टेप लगाया है एंड उस पर मैंने अपनी ईयरफोन्स को चिपका दिया है। इससे क्या है कि जब भी मैं हाईवे पे रहूंगा ना तो थोड़ा सा लाइक गाना भी सुन पाऊंगा एंड कॉल्स पे भी बात कर पाऊंगा, तो हाईवे राइड उतना बोरिंग नहीं रहेगा। बाद बाकी जितना भी वायर्स है ना वो सब कॉइल करके मैं यहाँ पे रख लूंगा। इस तरीके से वायर को पूरा बढ़िया से इसमें कॉइल करना है। कॉइल करने के बाद ये सब जो पिन्स रहता है ना हेलमेट में ये फिर आप इसमें इजिली इसमें लगा सकते हैं एंड ये सिक्योर हो जाएगा। सो इस तरह से मैंने वायर को भी सेटअप कर लिया है। इसके अंदर में पूरा माइक्रोफोन का वायर है एंड यहाँ पे मेरे ये माइक है, तो माइक को भी मैंने डबल साइडेड टेप से चिपका लिया है। एंड ये जो केडीएम का जो माइक्रोफोन है ना तो काफी अच्छा है, इसका नॉइस कैंसिलेशन भी है, इसलिए मैं ये वाला माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने सारा वायर्स को रखा है तो सारा तामझाम इसके अंदर में। अब बारी है ये लगाने का। तो ये जो मोबाइल होल्डर है ना ये स्प्रिंग वाला नहीं है, ये ऐसा स्क्रू वाला है। तो ये सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हो। एंड इसके साथ ये एक स्क्रू भी देता है। बेसिकली करना कुछ नहीं है, ये जो माउंट है ना ये माउंट को इसमें ऐसे लगाना है, ऐसे लगा के बस ये स्क्रू से टाइट कर देना एंड ये एक्स्ट्रा वायर है जो कि आपको फोन में प्लग इन होगा। तो यही है मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप जिसमें आप लोग गाना भी सुन सकते हो एंड कॉल्स पे भी बात कर सकते हो, नेविगेशन में भी काम आता है। एंड ये जितना भी एक्स्ट्रा वायर है ना हेलमेट का जो सामने का ये वेंट है इसके अंदर ये चला जाता है। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप। तो यहाँ पे मैंने अडेप्टर भी लगा लिया है, तो यहाँ पे बस आपको अपना आईफोन को या कोई सा भी फोन हो जिसमें 0.5 लेंस हो लाइक वाइड एंगल लेंस, उससे क्या है कि आपका विजन बहुत अच्छा आएगा, लाइक पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा मिलता है। एंड बिकॉज मेरा आईफोन है तो इसलिए मेरे को ये अडेप्टर लग रहा है। अगर आप लोग का कोई सा भी एंड्रॉइड फोन भी हो जिसमें 3.5mm जैक लगता है तो इसका तो ये अडेप्टर का आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। आप बस अपनी माइक्रोफोन का जो ये पॉइंट है उसको प्लग इन करिए और 0.5 में शूट करिए। सो गाइस हमारा ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड अभी मैं बाहर निकल नहीं सकता बिकॉज अभी थोड़ा सा मेरे को लाइक थोड़ा फीवर है। सो इसके बाद का जितना भी क्लिप्स रहेगा ना वो मेरा प्रीवियस व्लॉग का शूट किया हुआ सैम्पल शॉट्स रहेगा। तो इससे क्या है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है एंड जो ऑडियो है वो मेरा इसी ईयरफोन्स के थ्रू रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो है। सो आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का ईयरफोन्स है, कैसा क्वालिटी आता है। सो बिना किसी देरी के वो सैंपल शॉट्स आप अभी देख लीजिए। ये रहा साइन बोर्ड आ चुका है, स्ट्रेट चले जाने से सिलीगुड़ी आ जाएगा, हम लोग लेंगे राइट कालिम्पोंग गैंगटॉक की तरफ, तो राइट टर्न लेना होगा ये वाला। अब अभी जितना भी क्लिप्स देखे वो मेरा प्रीवियस राइड का शॉट्स था। तो इससे क्या कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसा ऑडियो आता है एंड कैसा फील्ड ऑफ व्यू आता है। एंड ये जो सेटअप है ना इसमें मैंने 100 के ऊपर स्पीड में राइड की हुई है तो ऑडियो फटता वटता कुछ नहीं है, काफी अच्छे ईयरफोन्स है, काफी बजट फ्रेंडली भी है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।